ब्रज के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी मथुरा के हाईवे थाने में घर में घुसकर मारपीट करने और महिला से छेड़छाड़ करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मथुरा जनपद के हाईवे थाने में दर्ज इस गंभीर प्रकरण की जांच सीओ रिफाइनरी अरुण कुमार कर रहे। न्यूज 18 से बातचीत में सीओ ने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर पर दर्ज मामले में महिला का बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। वहीं देवकी नंदन ठाकुर जी की तरफ से कहा गया कि यह पूरा मामला एक साजिश है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पर छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज होने से ब्रज में हड़कंप मचा हुआ है। देवकी नंदन ठाकुर जी ब्रज के बड़े कथावाचकों में एक हैं और देश विदेश में उनकी कथाएं होती रहती है। वृंदावन के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पर छेड़छाड़ की एफआईआर में उनके भाई समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। संगीन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट के मामले में जांच कर सीओ रिफाइनरी ने घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। पुलिस सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिला का बयान भी दर्ज करेगी। देवकी नंदन ठाकुर पर थाना हाईवे क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि 24 फरवरी को पीड़ित के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इसके साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के अलावा महिला से छेड़खानी भी की गई, ऐसा पीड़ितों का कहना है। जब मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो सभी आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़िता के बयान पर 27 फरवरी को देवकी नंदन ठाकुर पर और उनके भाई विजय शर्मा, गजेंद्र, श्याम सुंदर, अमित और धर्मेंद्र के खिलाफ मथुरा के थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है। इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पूर्व में SC/ST एक्ट का विरोध करने को लेकर सुर्खियों में आए थे। भीम आर्मी के कुछ सदस्यों ने उन्हें धमकी भी दी थी। आगरा में देवकी नंदन ठाकुर को एक मीटिंग के दौरान पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा था। बाद में उन्हें मथुरा वापस भेज दिया गया था। SC/ST एक्ट के खिलाफ देश भर में देवकी नंदन ठाकुर ने आवाज मुखर की थी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अक्सर वृंदावन में ही रहते हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रमुख शहरों के साथ साथ विदेशों में भी उनकी कथाएं सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, इस आरोप के ऊपर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे MTT न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि दोस्तों आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।